इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स की सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के सबसे बेसिक टर्म यानी कि इक्विलिब्रियम से। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर। इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की दोनों ब्रांचेस में अलग अलग अप्रोच हैं। अगर हम बात करें किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की न्यूटनियन अप्रोच क्या होती है और लैग्रांजियन अप्रोच किस तरीके से उससे अलग है, तो अगर न्यूटनियन अप्रोच के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी फिजिकल सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट इफेक्टिव फोर्स अगर जीरो पाया जाता है तो हम कहते हैं सिस्टम किस में है, आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वेक्टर कैलकुलेशंस करनी पड़ती, देखना पड़ता है कि उस सिस्टम के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से कितने कितने एंगल्स पर आपके कितने तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल अप्रोच है वो, लेकिन लास्ट में अगर हम ये फाइंड करते हैं कि ओवरऑल नेट फोर्स उसका जीरो आ रहा है तो हम कहते हैं कि सिस्टम किस में आपका इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब हम इस न्यूटनियन मैकेनिक्स में एक तरीके की वेक्टर अप्रोच को फॉलो करके ये पता लगाते हैं कि आपके बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट इफेक्टिव फोर्स जीरो है नहीं, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की एकदम मॉडर्न अप्रोच यानी कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स के बारे में। अब लैग्रांजियन आपकी न्यूटनियन से थोड़ी अलग है। लैग्रांजियन मैकेनिक्स के अंदर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है इसका पता हम कैसे लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम में सिस्टम है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उस सिस्टम के ऊपर नेट वर्चुअल वर्क जीरो है या नहीं। ये न्यूटनियन बात करता है नेट इफेक्टिव फोर्स की, लैग्रांजियन बात करता है नेट वर्चुअल वर्क की। इसका मतलब अगर किसी भी फिजिकल सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट वर्चुअल वर्क जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम लैग्रांजियन मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसमें है, इक्विलिब्रियम। अब वर्चुअल वर्क कौन करता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में। स्टूडेंट्स, वर्क चाहे वर्चुअल हो या फिर रियल हो, वर्क की डेफिनेशन जो बेसिक होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको सबसे पहले वर्चुअल वर्क को समझने से पहले वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टर्म को समझना पड़ेगा जो इस पूरे के पूरे कंसेप्ट का सबसे बेसिक पॉइंट है। तो अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ बोर्ड पर एक डेफिनेशन लिख ली, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, ये बोल क्या रहा है। डेफिनेशन को अगर हम समझें तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का इनफाइनाइटेसिमल चेंज है। किसमें, कोऑर्डिनेट्स में, यानी बहुत ही छोटा हल्का चेंज। किन में, कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये जो चेंज है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए जो भी उसके ऊपर फोर्सेस और कंस्ट्रेंट्स इंपोज किए गए। सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के दायरे में रहते हुए ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये चेंज एक इंस्टेंट टाइम पर हो जाना चाहिए, इसमें टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर टाइम टी पर आपका ये चेंज खत्म हो जाना चाहिए, टाइम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप किसी ऐसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोच सकते हैं जिसमें कि टाइम चेंज ना हो रहा हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ इसी वजह से, इसके इसी टर्म की वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहां से हमें जो एक चीज है पता चली वो ये कि एक तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है, दूसरा हमें फोर्सेस और कंस्ट्रेंट्स के ऊपर फोकस रखना है, और कौन है आपका, इंस्टेंट टाइम। तो अगर इन जनरल में बात करूं, किसी भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये चार कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज तो होगा। चेंज किस पे, कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन का चेंज, कोऑर्डिनेट्स का चेंज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो भी चेंज हो रहा है ये अप्लाइड फोर्सेस के दायरे से बाहर नहीं हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी की डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है, कंस्ट्रेंट्स यानी कि लिमिटेशंस। चेंज जैसा भी है, फोर्सेस जैसे भी हैं,
चेंज कभी भी कंस्ट्रेंट्स को यानी अपने लिमिटेशंस को अपने दायरे को ओवरकम नहीं कर पाएगा। उसी के दायरे में रहते हुए कंस्ट्रेंट्स यानी लिमिटेशंस के दायरे में रहते हुए ये चेंज होना चाहिए। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज टाइम टेकन इन दिस डिस्प्लेसमेंट और इन दिस चेंज मस्ट बी जीरो। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, पलक झपकने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। सिर्फ इन चार कंडीशंस को जो फॉलो करेगा वही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप सोच रहे होंगे कि पहली कंडीशन बहुत इजीली फॉलो हो सकती है कॉन्फ़िगरेशन का चेंज। चलो आपने अप्लाइड फोर्सेस के हिसाब से चेंज किया, उनकी डायरेक्शंस को देखते हुए चेंज किया। तीसरी चीज जो है कंस्ट्रेंट्स, आपने कंस्ट्रेंट्स के लिमिटेशंस को भी वॉयलेट नहीं किया, आपने तीनों कंडीशंस को फॉलो करी। लेकिन आपके जो आप जहां पर आकर फंसते हैं वो है आपका चौथी कंडीशन टाइम। आपको ये कैसे हो सकता है कि टाइम ही ना लगे? तो रियल में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब किस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए एक कंसेप्ट तैयार करके देता है, इसको सीखते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसमें सिंपल पेंडुलम का लिया है। इस सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ एक बेसिक डाटा है जो मैं आपको बता देता हूं। इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है एल, जो कि इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि इसकी लेंथ में चेंजेस अपने आप नहीं हो सकते हैं, लेंथ खिंच नहीं सकती है। और इसकी रैंडम डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसका वेट होगा एमजी, जो कि कहां काम करेगा, डाउनवर्ड्स। इसके अगर मैं कंपोनेंट्स कर दूं तो ये हो जाएगा आपका एमजी कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये हो जाएगा आपका एमजी साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अब इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा टी, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसके सपोर्ट इसके इनिशियल पॉइंट की तरफ पे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इस पूरे के पूरे सिस्टम से हमें पता लगाना है कि इनमें कंस्ट्रेंट्स यानी लिमिटेशंस क्या हैं और अप्लाइड फोर्सेस क्या हैं। तो पहले बात करते हैं अप्लाइड फोर्सेस की, अप्लाइड फोर्स। तो इसके ऊपर जो इसके मोशन को बनाए रख रहा है वो सिर्फ एक ही फोर्स है, यानी अप्लाइड फोर्स जो इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ एक ही, कौन, इसका वेट, जिसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, एमजी साइन थीटा और एमजी कॉस थीटा। यानी अप्लाइड फोर्सेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक ही है एमजी, जिसके की दो कंपोनेंट है, एक साइन थीटा कंपोनेंट है इसका और एक कॉस थीटा कंपोनेंट, ये अप्लाइड फोर्सेस में काउंट होंगे। कंस्ट्रेंट्स की अगर मैं बात करूं कि फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं यहां पर, तो वो लिमिटेशंस जिनको एक सिंपल पेंडुलम कभी वॉयलेट नहीं करेगा, ओवरकम नहीं करेगा, वो है पहली लेंथ, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल लेंथ है इसकी, जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लेंथ नहीं चेंज होगी। अगर लेंथ चेंज हो जाती यानी एल फिक्स नहीं रहता तो टेंशन भी फिक्स नहीं रहता, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो इसको एक स्प्रिंग की तरह काम करने लगता है, तो वो तो डेवलप हो नहीं रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा, तो टी भी कॉन्स्टेंट रहेगा और एल कॉन्स्टेंट बना रहेगा। तो टी और एल ये दो क्या है, इसके कंस्ट्रेंट्स हैं जिनमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मान लिया कि कोई इंस्टेंट टाइम पर ये अपनी डिस्प्लेसमेंट को चेंज करके यहां पर आ जाता है, कोई छोटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा वन का ले लेता है, तो आप देखिए इस डिस्प्लेसमेंट में लेंथ चेंज हुई नहीं, डिस्प्लेसमेंट में लेंथ चेंज नहीं, लेंथ चेंज नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है टेंशन भी चेंज नहीं होगी। तो टेंशन के अंदर यानी कंस्ट्रेंट फोर्स बिल्कुल भी नहीं बदला, यानी कि अगर हम इसके अंदर बात करें फोर्सेस ऑफ, एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, कंस्ट्रेंट इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे। अब अगर हम बात करें इसकी अप्लाइड फोर्सेस में, तो देखिए अप्लाइड फोर्सेस में यहां पर चेंजेस हो जा रहे, जैसे ये एमजी साइन थीटा है, थीटा वन एंगल जब चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि थीटा डिपेंडेंट एंगल पर डिपेंड करता है, अगर एंगल चेंज होगा तो डेफिनेट सी बात है ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्सेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर आपकी वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, पहले वो थीटा एंगल पे था, उसने थीटा वन का डिस्प्लेसमेंट ले लिया अंदर की, तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो गया इसमें, लेकिन और कंस्ट्रेंट भी को, कंस्ट्रेंट्स को भी वॉयलेट नहीं किया गया, लेकिन यहां पर आपका अप्लाइड फोर्सेस के अंतर्गत मोशन नहीं हुआ है, इस वजह से ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल नहीं है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पुले इंक्लाइंड सिस्टम, यानी कि एक इंक्लाइंड सरफेस लेते हैं
जिसका कि इंक्लिनेशन सरफेस से हॉरिजॉन से थीटा है, इस पर आपका एक पुले अटैच्ड है जहां दो मासेस इसे हैंग कर रहे हैं, M1 और दूसरा है आपका M2। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यानी यहां पर हम आइडियल कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं आएगा। अब इस रस्सी में टेंशन हमेशा कॉमन रहती है, बचपन से हमने पढ़ा है कि जब हम छोटी क्लासेस में क्लास 11th में न्यूमेरिकल्स करते थे तो जब तक रस्सी चेंज नहीं होती थी तब तक टेंशन भी हम नहीं बदलते थे, तो टेंशन अगर कॉमन रोप है तो उसमें कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज टी। अब थोड़े अलग फोर्सेस की बात करें तो ये इंक्लाइंड है, तो इस पे जो वेट है वो ये है mg, m2g, तो ये हो जाएगा आपका m2g sin theta और ये हो जाएगा आपका mg cos theta। अब ये सरफेस पे चल रहा है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा रिएक्शन वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम की कि यहां पर क्या चेंजेस चल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट टाइम पर यहां से इसकी डिस्टेंस है r1 और इसकी डिस्टेंस है r2, ठीक। अब पूरी रस्सी की जो लेंथ हमने कंसीडर करी है वो l, ये कंस्ट्रेंट क्योंकि लेंथ ऑफ द रोप हमेशा क्या होता है कंस्ट्रेंट, तो चाहे ये r1 डिस्टेंस पर हो या r2 डिस्टेंस पर हो, या r1 चेंज हो जाए या r2 बढ़ जाए, लेकिन टोटल लेंथ में कभी भी चेंजेस नहीं होंगे, तो एल हमेशा क्या है कॉन्स्टेंट, तो एल इज कॉन्स्टेंट। अब रोप में टेंशन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो दो तो कॉन्स्टेंट हो गए, टी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स को तो फॉलो किया जा रहा है यहां पर, अब बात करते हैं, अब आप खुद भी देख सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं, कि अगर मान लो कि नीचे की ओर मूव करता है ये ऊपर की ओर शिफ्ट होता है तो R1 छोटी हो जाएगी R2 लंबी हो जाएगी, लेकिन इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल अभी भी L ही बनेगा। और क्या रोप चेंज हो गई? नहीं। मासेस चेंज हो गए? नहीं। तो इसका मतलब जो टेंशन हुआ रोप में वो भी चेंज नहीं हुआ, तो टेंशन के कंस्ट्रेंट्स को भी यहां पर फॉलो किया जा रहा है। चेंज हो रहा है यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, सिस्टम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो। दूसरी कंडीशन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो किया जा रहा है, हां भैया L कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, कंस्ट्रेंट्स भी फॉलो है। तीसरी कंडीशन थी अप्लाइड फोर्सेस का वायलेशन चल रहा है क्या? नहीं। आप देखिए जब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा, थीटा में कोई चेंज होगा? थीटा में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिस्टम को चलाने वाला जो फोर्स है यानी कि एम टू जी साइन थीटा का, जब थीटा चेंज नहीं होगा तो अप्लाइड फोर्स भी नहीं बदल रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि हम यहां पर एम टू जी साइन थीटा को भी क्या ले रहे हैं कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंक्लिनेशन पर डिपेंड कर रहा है और इंक्लिनेशन चेंज होंगे। तो यहां पर तो भैया आपकी सारी कंडीशन फॉलो होते हुए दिखाई दे रही है, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जा रहा है, मतलब बॉडी मूव भी कर जा रही है और कंस्टेंट्स के लिमिटेशंस में चल रहा है काम, अप्लाइड फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या वर्चुअल वर्क का एग्जाम्पल? नहीं, ये अभी भी वर्चुअल वर्क नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। यहां पर एक चीज का वायलेशन हो जाएगा, डेल टी वो जीरो नहीं रह जाएगा, इस प्रोसेस में कोई ना कोई टाइम लग जाएगा। अगर टाइम लग गया तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही, तो बाकी को फॉलो करके भी क्या करेंगे? तो ये भी एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं है। ये कब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बन जाता है? ये थोड़ा करीब जरूर है, इसको बनाया कब जा सकता था, कब हम मान सकते थे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है? जब इसके डिस्प्लेसमेंट में टाइम टेकन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता। अगर इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम टेकन जीरो हो जा रहा है तो आपकी सारी जो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी, अगर ये फॉलो हो जाती तब ये एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बन जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी आपकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की, इसी के ऊपर बेस्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो देखते हैं, वर्चुअल वर्क को समझने के लिए हमने एक सिस्टम ऐसा कंसिडर किया है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सपोज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अभी तक मान लो कि हमने लैग्रांजियन नहीं पढ़ी होती, न्यूटनियन पढ़ी होती, और न्यूटनियन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब इस सिस्टम के हर एक पार्टिकल पे लगने वाला नेट इफेक्टिव फोर्स जीरो है। इसका मतलब अगर कोई एक पार्टिकल में आईथ पार्टिकल चूज कर लेता हूं, तो फोर्स अगर नेट
फोर्स की बात करें ऑन ईच पार्टिकल, इन जनरल हमने उसे एफ आई कह दिया, तो वो कितना आना चाहिए? जीरो। यानी कि आप आईथ पार्टिकल कोई सा भी इन जनरल चूज कर लो, उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगना चाहिए? जीरो लगना चाहिए। तो यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं जहां पर बोला जा रहा है कि पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस क्या होने चाहिए? जीरो। अब मान लेते हैं कि जो पार्टिकल न्यूटनियन मैकेनिक्स में चुना गया है जिसपे कि लगने वाला टोटल फोर्स कितना है? जीरो है। ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कर देता है, यानी कि अप्लाइड फोर्सेस को कंस्ट्रेंट्स को वायलेट किए बिना, टाइम में चेंज किए बिना, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देता है। तो मान लिया कि इस पार्टिकल ने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिखाया, इफ डेल्टा आर आई इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? डेल्टा आर आई। तो डेफिनेट सी बात है, इसका वर्चुअल वर्क निकालू, वर्चुअल वर्क, तो मुझे फोर्स इनटू डेल्टा आर आई करना पड़ेगा। तो नेट इफेक्टिव फोर्स तो न्यूटनियन के हिसाब से ही जीरो है, तो अगर वैल्यू रख दू तो वर्चुअल वर्क भी कितना आएगा इसका? जीरो। अगर मैं टोटल सिस्टम के पूरे वर्क, वर्चुअल वर्क की बात करूं, तो मुझे यहां क्या चूज करना पड़ेगा? समेशन। तो टोटल वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू समेशन आई एफ एफ आई डेल्टा आर आई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर पार्टिकल्स न्यूटनियन अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम में हैं, तो उनका वर्चुअल वर्क हमेशा कितना आना चाहिए? जीरो, भले ही वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो भी उनका वर्चुअल वर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन फोर्सेस के बारे में। उस समय एफ आई से डिनोट किया था। अभी जो आईएथ पार्टिकल जो हमने चूज किया है, भले हमने न्यूटनियन में किया हो, लग्रांजियन में किया हो, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो दो तरीके के फोर्सेस का समेशन है। एक तो उसके ऊपर लगने वाले अप्लाइड फोर्सेस, अप्लाइड एफ ए, और दूसरा हम कह सकते हैं उसके ऊपर लगने वाले सारे कंस्ट्रेंट्स के फोर्सेस। कंस्ट्रेंट्स के और अप्लाइड के फोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है, हमने सिंपल पेंडुलम और पुले इंक्लाइंड सिस्टम में देख लिया था। तो किसी भी पार्टिकल सिस्टम के किसी एक पार्टिकल यानी एलिमेंट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है, वो अप्लाइड फोर्स और कंस्ट्रेंट्स के फोर्स का क्या होता है? समेशन होता है। तो हम अगर अपनी वर्चुअल वर्क की इक्वेशन को इनके टर्म्स में लिखें, जो कि हमने अभी लिखा था कि वर्चुअल वर्क W V is equals to summation I F I dot delta R I। अगर मैं F I की वैल्यू को प्लेस कर देता हूं तो ये इक्वेशन बनेगी F A delta R I plus I F C delta R I। तो ये आपका वर्चुअल वर्क बन गया। वो आ कितना रहा था? जीरो, क्योंकि हम जानते थे कि नेट इफेक्टिव फोर्स तो जीरो है, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? जीरो। तो ये भी कितना आएगा? जीरो। यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं? सबसे पहली कंडीशन जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो ये कि हमारा जो ये वर्क है जो कंस्ट्रेंट फोर्स कर रहा है वो जीरो कंसिडर कर लो। हम अपने आप को एक ऐसे दायरे में समेट लेंगे जहां पर एक कंडीशन फॉलो हो जा रही है कि कंस्ट्रेंट फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसका वर्क डन कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। तो अब वर्चुअल वर्क डन बना कौन रहा है? सिर्फ अप्लाइड फोर्सेस बना रहे हैं। एफ ए डेल आर आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? वो भी जीरो। तो उनका वर्क भी कितना आ रहा है? जीरो। इसका मतलब अब ये बता क्या रहा है? ये एक्सप्रेशन कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यानी कि इफ वर्चुअल वर्क डन बाय एनी अप्लाइड फोर्स, कंस्ट्रेंट फोर्स के वर्क डन को तो हमने पहले ही हटा दिया, सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं? अप्लाइड फोर्सेस पे, यानी हम अपने आप को कुल मिला के अप्लाइड फोर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितना वर्क कर रहा है ये चेक करो, क्या वो कोई वर्चुअल वर्क कर रहा है? नहीं। यानी कि अगर हमारा अप्लाइड फोर्स वर्चुअल वर्क जीरो दे दे किसी कंडीशन में,
तो हम बोलते हैं कि सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम में, या फिर इसको उल्टा भी बोला जा सकता है कि इक्विलिब्रियम में मान के चलो तो हमें लास्ट में अप्लाइड फोर्सेस का वर्चुअल वर्क क्या मिलेगा, जीरो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं। तो ये वर्चुअल वर्क का बेस लेकर हम किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसमें कहीं वेक्टर समेशन नहीं करना है, हमें बस देखना है कि सिस्टम के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, सबके वर्चुअल वर्क का सम कर दो, अगर वो जीरो आ गया तो नेट इफेक्टिव वर्चुअल वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम कह देंगे सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में। अब अगर हम वेक्टर अप्रोच लगाते हैं, हर एक का फोर्स देखते हैं कौन किधर लगा रहा है फोर्स, किस हर पार्टिकल के ऊपर लगने वाला कंस्ट्रेंट देखना पड़ता, फिर हर पार्टिकल के ऊपर लगने वाला अप्लाइड फोर्स देखना पड़ता, सबका समीशन करना पड़ता, सबके नेट इफेक्टिव निकालना पड़ता, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप हो जाती है वेक्टर अप्रोच लगाते लगाते। यहां पर क्या है, सीधे वर्क डन निकालो ना, पूरे सिस्टम का वर्क डन टोटल अगर वर्चुअल वर्क डन जीरो आ गया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में। एक कंडीशन आइडियल फॉलो कर लेने से क्या होता है, यानी टाइम को, टाइम चेंज को जीरो मान लेने से क्या हो जाता है कि हम वेक्टर से स्केलर में मूव कर जा रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। अब इसका फायदा क्या डेवलप होगा वो हमें आगे आने वाले एग्जांपल से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।